हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद। दोस्तों, 2023 की फरवरी में टॉप 6 वैकेंसियां हैं। अभी तक जो फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं दोस्त, फ्रेंड लोग, भाई बहन, तो उसके बारे में अभी हम देखिए शॉर्ट में हम बताएंगे। 6 वैकेंसियां हैं, उसके बारे में देखिए जो मेन मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बताएंगे। तो आप समझ लीजिए, अब जब फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किए हैं तो फॉर्म अपना फिलअप कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली वैकेंसी कौन सी है, SSC MTS हवलदार है, ठीक है। देखिए SSC MTS में टोटल पोस्ट कितने हैं, हम समझ लेते हैं, 12,523 हैं, ठीक। और हवलदार में कितने हैं, 529 हैं। और देखिए जो SSC MTS है वो दो एज ग्रुप का जॉब है। देखिए पहला एज ग्रुप का कितना है, 18 साल से लेकर के 25 साल तक, उसमें देखिए पोस्ट कितनी है, 9,329 हैं। और सेकेंड एज ग्रुप का कितनी है पोस्ट है, 18 साल से लेकर के 27 साल तक, कितनी है पोस्ट है, 2,665 हैं, ठीक। देखिए इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, 19 फरवरी से लेकर के 2023 तक, ठीक। इसका फॉर्म फिलअप किया, जितनी वैकेंसी हम आपको बताए हैं 5 पोस्ट का बाकी फॉर्म की फिलअप किया जा रहा है। अब एक का भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, 4-5 दिन में भी चालू हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, 19 फरवरी रहेगा। एग्जाम डेट अप्रैल 2023, अप्रैल माह में, अभी डेट कन्फर्म नहीं आई है लेकिन इसका अप्रैल में ही एग्जाम करा दिया जाएगा, ठीक। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्लास 10th पास, यदि आप 10th पास हैं तो आप इसको फॉर्म खूब आराम से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब फुल डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं MTS के बारे में तो वीडियो बनी हुई है, आप जा करके सर्च कर लीजिएगा हरमीत एजुकेशनल MTS की वैकेंसी, उसमें फुल डिटेल आपको मिल जाएगी कि हवलदार के लिए कितना चेस्ट, कितना रनिंग, कैसे क्या रहेगा, ठीक है। देखिए सेकेंड वैकेंसी का क्या है, इंडिया पोस्ट GDS ग्रामीण डाक सेवक, ठीक। इसमें देखिए टोटल पोस्ट कितना है, 40,889। देखिए 2023 की हम कह सकते हैं, इसी को अभी तक जो बाकी हमें जो सामने आई है इसको हम बम्पर भर्ती कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए इसमें जो है इसका एग्जाम नहीं कराया जाएगा, मात्र ये मेरिट पे वैकेंसियाँ हैं। देखिए लास्ट डेट क्या रहेगा इसका, 16 फरवरी 2023 तक। इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, यदि आप फॉर्म नहीं डाले हैं तो अपना इसको फॉर्म को फिलअप कर दें। इसमें देखिए कोई पेपर वगैरह तो होना तो नहीं है, मात्र यदि आप 60% भी जिसका है तो उसको फॉर्म आप फिलअप कर दें, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अपना दूसरा तैयारी करिए, पढ़ना इसमें तो है नहीं, यदि आपका नाम आ जाएगा मेरिट में तो अच्छी बात है। देखिए करेक्शन डेट देखिए इसमें 17 से 19 फरवरी तक, ठीक, 19 लास्ट फरवरी तक इसका देखिए करेक्शन डेट है। एज देखिए इसकी रहने वाली है 18 साल से लेकर के 40 साल तक इसकी एज होने वाली है। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, मात्र क्लास 10 पास प्लस आपको उस सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक। और फुल डिटेल आपको जानना है तो वीडियो में भी आपको ये पूरा बताया गया है, सर्च कर लीजिए, ठीक है। देखिए तीसरी जॉब क्या है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स, ठीक। इसमें देखिए टोटल पोस्ट कितनी है, 1793 हैं। अप्लाई डेट देखिए अभी नहीं मेंशन किया गया है, अभी आप AOC साइट पर जाएंगे सर्च करेंगे उसमें कुछ दिख रहा है टेक्निकल इशू, लेकिन अभी 2-4 दिन के अंदर ही उस साइट पे दिखने लगेगा, ठीक है। देखिए इसका एज क्या रहेगा, 18 साल से लेकर के 25 साल तक। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मात्र 10 पास, क्लास 10th पास, ठीक। अब देखिए मेरा फोर्थ देखिए कौन सा जॉब है, कोस्ट गार्ड नेविक GD & DB। देखिए जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है। इसमें देखिए टोटल पोस्ट कितने हैं, 225, ठीक। इसमें देखिए डोमेस्टिक ब्रांच में 30 हैं। इसकी अप्लाई डेट क्या रहेगा, 6 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, ठीक। देखिए इसमें एज क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, 18 साल से लेकर के 22 साल तक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जनरल ड्यूटी में देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 10+2। जनरल ड्यूटी में आपको 10+2 मांगा गया है विथ मैथ एंड फिजिक्स। आपको 10th में मैथ या फिजिक्स लिए हैं तो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए DV डोमेस्टिक ब्रांच, देखिए इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10 पास मांगा गया है, ठीक। देखिए फोर्थ देखो 5 वाली वैकेंसी समझ लेते हैं। 5वें नंबर IB सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS, देखिए इसमें असिस्टेंट के भी है और MTS का भी है, ठीक है। देखिए टोटल पोस्ट कितने हैं, 1675 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एक्सलेट 1500
25 हैं और MTS के लिए 150 हैं। देखिए इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, 17 फरवरी इसका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक। एज फॉर ऐसे 18 साल से लेकर के 25 साल तक, और इसके बाद OBC के लिए 3 साल की छूट है और SC के लिए 5 साल की छूट है, ठीक। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या क्या कही गई है, मात्र 10th पास, ठीक। अब देखिए लास्ट में देखिए हम समझ लेते हैं CICF कांस्टेबल ड्राइवर, जैसे हम आपको बताए थे फुल डिटेल में अगले वीडियो में कि जब ड्राइवर की वैकेंसी आई थी उस आपको वहाँ पर DL होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें टोटल पोस्ट कितना है, 451 है, और लास्ट डेट क्या रहे फॉर्म फिलअप करने का, 22 फरवरी है। इसमें एज क्या रहेगी, 21 साल से लेकर के 27 साल तक। क्वालिफिकेशन इसमें मात्र 10 पास हुआ मांगा था, ठीक है। बाइक का है या फिर फोर व्हीलर का है या फिर सिक्स व्हीलर का है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें देखिए बाकी कुछ क्वेश्चन आपको वहां से दिया जाएगा, मात्र पूछा जाएगा किस हिसाब से लेफ्ट या राइट या फिर कौन सा इंडिकेटर के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नाम मात्र का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लोग जैसे कि आपको बता दिए 6 वैकेंसियाँ हैं, अभी तक अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आप जा करके फॉर्म फिलअप कर लें। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, नहीं तो नेटवर्क कुछ इश्यू प्रॉब्लम हो जाता है, आप 3-4 दिन पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर दें। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वैकेंसी के साथ।